ତେବେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରରେ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ରୋଜଗାର ସୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି, କଂଗ୍ରେସର ନିର୍ବାଚନୀ ଇସ୍ତାହାରକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗୁଜରାଟ କଂଗ୍ରେସର ନେତା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ ଏହା କହିଛନ୍ତି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପଟେଲ। ବିଜେପିର ଇସ୍ତାହାର କେବଳ ମୋଦି କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ବୋଲି ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି। आपने सरदार पटेल की इच्छाओं के उलट काम किया है। एक उस पार्टी को ज्वाइन किया है जिसके मैनिफेस्टो में लिखा है कि आफ्सपा हटा दिया जाएगा, सेना को कश्मीर में इनके सामने छोड़ दिया जाएगा आतंकियों के और सबके। मुझे लगता है कि मैनिफेस्टो पढ़ने में कई लोगों ने दिक्कत कर रखी है और कई बार ये भी लगता है कि मैनिफेस्टो को समझना उनके लिए नामुमकिन हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी स्पष्टता से जो भी मुद्दे रखे हैं, जो भी मैनिफेस्टो के प्रमुख धाराएं में जो शब्द लिखे गए, वो सारी चीजें हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए लिखी है। हम पहली बात करते हैं राजद्रोह, राष्ट्रद्रोह के मामले में उन्होंने राजद्रोह हटाने के लिए कहा है, राष्ट्रद्रोह हटाने के लिए नहीं कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके कुछ नेताओं ने डिबेट शुरू करवा दी कि देखो कांग्रेस पार्टी देशद्रोह का समर्थन कर रही है। नहीं, हम राजद्रोह का हटाने की बात करें जिसमें मैं भी शामिल हो गया हूँ, मुझ पर भी यहाँ पर राजद्रोह का मुकदमा लगा हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कई राज्यों में कई युवाओं पर, कई किसानों पर और कई सोशल एक्टिविस्टों पर भी राजद्रोह के मुकदमे लगे हैं। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी ईमानदारी से एक बात रखी जिसका मुझे बड़ा गर्व है कि सरकारी स्कूलों में 12वीं तक हम शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त कर देंगे।